नमस्कार। देसी खाने के शौकीन लोगों के लिए आज हम एक और देसी रेसिपी लेके आए हैं। रेसिपी ये बहुत पुरानी है, लेकिन हर घर में जानी पहचानी है। हम सब में कई सारे लोगों की दादी और नानी के साथ ये रेसिपी जुड़ी हुई है। तो चलिए आज उनकी ही स्टाइल में हम रेसिपी बनाते हैं और उनको भी याद करते हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूँ उमंग फ्रॉम बावलीस किचन और माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से आज हम बनाने जा रहे हैं लाइव सेव सब्जी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइव सेव सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम अदरक, मिर्च और लहसुन की पेस्ट बनाएंगे और वो भी हम देसी स्टाइल में ही बनाएंगे। पेस्ट हो गई है हमारी तैयार। अब बारी आती है कढ़ाई को चूल्हे पे रखने की। लेकिन आपको तो मालूम ही है चूल्हे पर कढ़ाई रखने से पहले क्या किया जाता है। कढ़ाई में डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म होते ही इसमें डालेंगे हम थोड़े खड़े मसाले। खड़े मसाले में तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, 1 से 2 चक्रीफूल, 1 बड़ी इलायची और दालचीनी। साथ ही में डालेंगे 1/2 चम्मच सरसों, 1/2 चम्मच साबुत जीरा, थोड़ी सी हींग और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से चटकने लगे हैं तो अब इसमें डालते हैं अदरक, मिर्च और लहसुन की पेस्ट। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि हमारे मसाले जले नहीं। पानी अच्छे से उबलने लगा है तो अब इसमें ऐड करेंगे छाछ। ये सब्जी की खासियत यही है कि ये छाछ में बनती है। यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि छाछ थोड़ी खट्टी हो। अब आती है मसाले की बारी। इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और मिठास के लिए थोड़ा सा गुड़। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए उबलने देते हैं। तब तक हम सेव बनाने की तैयारी करते हैं। सेव बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप बेसन, उसमें डालेंगे जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, मोइन के लिए थोड़ा सा तेल। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, बारी बारी पानी डालते जाएंगे और डो को बनाते जाएंगे। सेव बनाने के लिए हम सॉफ्ट डो बनाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए।
जिस मशीन से हमें सेव बनानी है उस मशीन को तेल से ग्रीस कर लेते हैं। अब डो में भी थोड़ा तेल डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मशीन में डाल देंगे। अब मशीन को करते हैं बंद और बनाते हैं लाइव सेव। नॉर्मली सेव को ऑयल में फ्राई किया जाता है, लेकिन हम यहाँ सेव को ग्रेवी में ही डालेंगे और इसमें ही पकाएंगे। इसीलिए इस सब्जी को लाइव सेव की सब्जी कहते हैं। अगर आपको लगता है कि सेव में गांठे पड़ी है तो हल्के हाथों से एक से दो बार अच्छे से चला लीजिए। सेव को अच्छे से पकाना है इसलिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और ढक्कन लगा के ऊपर भी थोड़ा पानी डालेंगे ताकि सेव नीचे से चिपके ना। अब हमारी सेव पकने लगी है, अपने आप ही छोटे छोटे टुकड़ों में ऊपर आने लगी है, तो ऊपर बचा थोड़ा पानी भी इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर ग्रेवी को गाढ़ी होने तक पकने देंगे। जब कोई भी सब्जी घर पे ना हो तब ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है चटपट से चटाकेदार सब्जी बनाना। अब फाइनली हमारी लाइव सेव की सब्जी हो गई है तैयार। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। ऐसी ही मजेदार रेसिपीज देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।